दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के बारे में मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ जिसको आप बड़े गौर से सुने और ध्यान से देखें। देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ प्रत्यय की, क्या कोई भी आप वीडियो उठा के देख लो, उसको लास्ट तक देखना जरूरी है। कारण कि कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें दिमाग से मिस हो जाती हैं, तो उनको मैं लास्ट में कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मेरा वीडियो आप देखेंगे यत्र नेत और क्या प्रत्यय वाला। अब इन तीनों प्रत्ययों में क्या होता है कि लास्ट में यही बचता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि फला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप ये देख करके अगर डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये प्रत्यय है, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों में यह बच रहा है। तो मैंने ये बारीक पहचान प्रत्यय के जो ये वीडियो है उसके लास्ट में बताई हुई है कि यत्र नेत और क्यप जो प्रत्यय हैं, उसमें लास्ट में जाकर के बताया है कि इन तीनों में यह होने के बावजूद आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रत्यय है। इसी प्रकार मैं और आने वाले प्रत्ययों में भी आपको ये जानकारी देता रहूंगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रत्यय में अमूमन लास्ट में जाकर के गिने चुने शब्द ही बचते हैं। अगर हम उनसे प्रत्ययों को करने की कोशिश करेंगे तो हम फंस जाएंगे, है ना। हमें फंसना नहीं है, बस इसी जो एग्जामिनर की चाल है इससे हमें निकलना है। तो इसके लिए आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों हम देख रहे हैं प्रत्यय और आज हम देखेंगे क्षत्रिय प्रत्यय। तो क्षत्रिय प्रत्यय जो है सत प्रत्यय का ही भाग है। मैंने आपको बताया ना सत प्रत्यय है ना, सत इसको कहते हैं तव सत, यानी कि तव माने दो, यहां तव दो के लिए आया है। तो क्षत्रिय और शानच ये दोनों प्रत्यय क्या होते हैं, दोनों प्रत्यय मिलके सत प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से एक प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय को हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल ध्यान रखना कि क्षत्रिय प्रत्यय जो है सत प्रत्यय का भाग है। ये कब होता है, परस्मैपदी धातु में होता है, ठीक है ना, और वर्तमान काल का प्रत्यय है। क्षत्रिय के अंत में अत बचता है जिसका बाद में अन हो जाता है। तो क्या ध्यान रखना है अपने को, अन बचता है। अच्छा, क्षत्रिय प्रत्यय से हम शब्द बनाएंगे तो तीन तरह के शब्द बनेंगे। एक बनेगा पुल्लिंग, एक बनेगा स्त्रीलिंग और एक बनेगा नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग के शब्द बनेंगे भवत शब्द की तरह, स्त्री के जो शब्द बनेंगे स्त्रीलिंग के वो बनेंगे नदी की तरह, और नपुंसकलिंग के जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे जगत की तरह। तो ये तीनों रूप आपको याद रखने हैं। अभी तक शब्द रूपों का जिक्र नहीं आया था, लेकिन अब जब प्रत्यय पर देखेंगे तो शब्द रूप भी अपने को यहां याद करते चलने पड़ेंगे। उसका फायदा ये होगा जब शब्द रूप आप देखने बैठोगे, पढ़ने बैठोगे, तो आपको काफी सारे शब्द रूप याद हो चुके होंगे, ठीक है। अब देखो इन तीनों में एक चीज और देख लो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, है ना। तो पुल्लिंग में तो अंत में अन नजर आएगा आपको, ठीक है, यानी कि अगर अन नजर आता है अंत में कहीं तो क्षत्रिय प्रत्यय का शब्द है और वो पुल्लिंग का शब्द है। अगर अंती अंती नजर आए, जैसे कि पठंती पर लिखते हैं ना ऐसे, तो वो स्त्रीलिंग का शब्द है ना, और वो क्षत्रिय प्रत्यय का ही रूप है। लास्ट में अत नजर आया आपको तो वो नपुंसकलिंग में बनेगा और वो क्षत्रिय प्रत्यय का ही रूप होगा। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, इससे शब्द बनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, वो आप उदाहरण देख लो, ठीक है। देखो पहला उदाहरण जो है आप देखो इसना, मैं वो बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, इसना प्लस क्षत्रिय, ठीक है ना, इसना प्लस क्षत्रिय, ये अपन लिखेंगे इसना प्लस क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय ये प्रत्यय है। अब मैंने आपको बताया था कि तीन तरह चलेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यय का इसना शब्द से रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा, पुल्लिंग रूप बनेगा इसका स्नान, अन बचेगा ना, ठीक है ना, तो इसका रूप बनेगा पुल्लिंग में स्नान। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग, आप ये मान लो, ठीक है। अच्छा पुल्लिंग में रूप बनेगा स्नान, अच्छा स्त्रीलिंग में रूप बनेगा स्नाति, पुल्लिंग रूप बनेगा स्नाति।
अब एक बात ध्यान रखो, हमेशा यहां मात्रा बड़ी नजर आएगी, ये अक्सर होता है, मैं जो चीज बता रहा हूं वो अक्सर होता है, हमेशा नहीं होता है, ये पहचान का तरीका है। तो स्त्रीलिंग में रूप बनेगा स्नाति क्षत्रिय प्रत्यय में, स्त्रीलिंग में अक्सर बड़ी ती ही दिखेगी आपको। नपुंसकलिंग में रूप बनेगा क्या बनेगा, स्नात, ठीक है ना, लास्ट में अत बचता है ना, तो देखो आप यहां अन बचा है ना, यहां अत बचा, यहां अंति आता है तो अंति भी आएगा तो भी ती बड़ी आएगी, ठीक है ना। अब देखो और रूप देख लो आप, मैं आपको बताऊं, जैसे हन धातु, ये रूप बहुत बार आता है, हन धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे अपन, तो हन धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेगा तो पहले रूप बनेगा घनन, कौन सा बनेगा, ये घनन, ये घेट घड़ी वाला है, ठीक है, इसको आप ये ध्यान रखना, ये है ना घनन, ठीक है, रूप बनेगा घनन। अच्छा ग्रति, क्या रूप बनेगा, ग्रति और ग्रत, ठीक है ना, हन का रूप बनेगा ग्रत, ग्रति, ग्रत, ठीक है। अच्छा अब तीन चार और रूप हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप देख लो, एक अस, अस में क्षत्रिय जोड़ेंगे तो रूप कैसे बनेंगे, अस में क्षत्रिय जोड़ेंगे तो रूप बनेंगे सन सती सत, सन सती सत, देखो सब में बड़ी ती आ रही है, यानी कि ये बड़ी ती इसकी पहचान है ना, क्षत्रिय प्रत्यय अन बचता है पुल्लिंग में, अत बचता है नपुंसकलिंग में, और जहां ती आएगी अंति ती वो आएगी स्त्रीलिंग में, तो बड़ी ती ही होगी। यहां कंफ्यूजन कर देगा, रूप ये देता है, पूछ लेगा कि कौन सा रूप है, तो ये ध्यान रखना बड़ी ती वाला रूप ही सही होगा अपना, ठीक है ना। अस धातु में ये रूप बनेंगे, अब देखो कुछ धातु दा है ना, दा प्लस क्षत्रिय, दा में रूप बनाएंगे तो ये रूप बहुत आता है, ठीक है ना, दा का रूप ये बहुत आता है, क्यों आता है, क्योंकि इसका पुल्लिंग का रूप भी सबसे अलग हटके ही बनेगा, दे दे ते, ठीक है ना, इसका रूप ददत ही बनेगा, ददत नहीं बनेगा, ठीक है ना, ददती दे दे ती स्त्रीलिंग का, और इसका भी दे दे ते, ठीक है, तो इसका पुल्लिंग का और नपुंसकलिंग का सेम ही रूप बनना है, इसलिए रूप महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना इसमें उन्हें नहीं दिखेगा। तो दाता जरूर पूछता है दा का पुल्लिंग रूप कौन सा बनेगा क्षत्रिय प्रत्यय लगाने से, ददत, और नपुंसकलिंग भी ददत ही बनेगा। अब दूसरा चीज देखो, एक और है धा है ना, धा प्लस क्षत्रिय, धा में अपन क्षत्रिय लगा देंगे तो क्या रूप बनेगा, दधत, दे दे ते, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोनों, क्योंकि देखो यहां अन्न कहीं नजर नहीं आ रहा, ददत ददती और ददत, फिर वो तो वो है ही ददती है ना, और ये दे दे ते, ठीक है, तो इसका ये रूप और ये रूप दोनों समान है, दोनों रूप जरूर देखो, इसके अलावा और महत्वपूर्ण रूप मैं आपको दिखा रहा हूं, उनको भी आप देखते चलो, ठीक है। ये देखो एक है रूप भी है ना, भी यानी भी धातु कौन सी है, भय तक होती है ना, यानी भय लगना, भी भय होना, ठीक है ना, तो रूप इसका बनेंगे, इसका रूप बनेगा बिभ्यत, बी भ्यत, ठीक है, बिभ्यत बिभ्यति बिभ्यत, बिभ्यत बिभ्यति बड़ी ती आएगी और बिभ्यत, ठीक है, तो भी धातु से रूप बनेंगे ये। अब एक धातु है हु है ना, हु ये हु धातु छोटा हु, इसके रूप कैसे बनेंगे, इसके रूप बनेंगे हु में क्या जुड़ जाएगा, देखो जुहेवत, ये इसका रूप बनेगा, ये इसलिए बता रहा हूं उदाहरण चारों, ये चारों का चारों उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी जुहवती तो है ही, जुहवती, ठीक है ना, जुहवत जुहवती और जुहवत, इसमें है भी अलंत है, ठीक है, इसमें है और तय अलंत है, ये रूप भी दोनों सेम है, तो ये चारों आप देखो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके, दा धा भी और हु, क्योंकि इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का अन्न नजर नहीं आता है, जबकि पहचान है कि उसकी अन्न उसमें होना चाहिए, इसलिए चारों रूप महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ और रूप है क्षत्रिय प्रत्यय के जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उदाहरण देना यूं जरूरी है, क्योंकि बिना उदाहरण कोई चीज समझ में आती भी नहीं है, और एग्जाम में उदाहरण ही वो
देता है अपने को, ठीक है, इसलिए अपन इन चीजों को देख लेंगे, ठीक है। अब देखो एक शब्द है कौन सा, ई, ई, ई का अपन क्षत्रिय प्रत्यय लगा के रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ई का ये अकारादि क्रम में है रूप, ठीक है, तो इनके रूप यही बनेंगे, ई का रूप बनेगा यन, ठीक है ना, ई का रूप क्या बनेगा यन, ये क्षत्रिय प्रत्यय से बना हुआ रूप है, ठीक है। ईश, ईश यानी इच्छा करना, तो इसका रूप क्या बन जाएगा, इच्छन, ठीक है, इसका रूप बन जाएगा इच्छन। एक रूप है जी, ये वो रूप है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसका रूप बनेगा जयन। बोर्ड देखो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ, क्योंकि पिछले वीडियो में लगातार शिकायत आ रही है सर बोर्ड नहीं दिखता है, तो बोर्ड के साथ साथ मैं बोलता भी हूं, आप उनको देखते जरूर जाना है, ठीक है। एक चीज और देख लो, धातु है कौन सी, गिरी, ये वाली गिरी है एक और ये दो, यानी बड़ी वाली गिरी, ठीक है ना, गिरी में दो मात्रा लगी है रहेगी गिरी, इसका रूप कौन सा बनेगा, क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो गिरन, ठीक है ना, इसका रूप बनेगा गिरन, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अच्छी तरह देख लेना, क्षत्रिय प्रत्यय का अन्न अत और ये चीजें बचती हैं और तीन रूपों में इसके रूप बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से होगा ये कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, आपके पास वो जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी और इसका तुरंत आप लाभ उठाएं, और अगले जो भी वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं उनको आप देखते रहिए, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको आगे बढ़ाने में, कंपटीशन को फाइट करने में, आपको सक्सेस करने में काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों जल्दी ही हम आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।